दीपोत्सव प्रभु श्रीराम को स्वागत करने अयोध्या पूरा पूरी प्रस्तुति अयोध्या नगरी पूरा सजाई होती प्रभु श्रीराम को स्वागत करने पथ जनता समस्ते पूरा प्रस्तुत अच्छा 28 लक्ष दीपे सजाई होती सरजु घाट अपेक्षा से ही संध्या समय को सही संध्या काल को जब एकाठी चिकमिक हो चल सरजु नदी तट एथर लगातार सप्तम थर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड सृष्टि करने को टारगेट लक्ष्य रखी और संध्या समय को अपेक्षा रही जो आप देखिपी दीपावली अयोध्या केत बड़ प्रस्तुति करेतु देखा कि भगवान राम अयोध्या नवनिर्मित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दीपावली पालन करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 500 वर्षर प्रतीक्षा पर भगवान राम अयोध्या नवनिर्मित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दीपावली पालन कर सुंदर सज्जित पारंपरिक नृत्य गीत पूरा प्रकम्पित पथ ता सहित भजन कीर्तन एवं आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होती प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया आज देखा कि जिते बड़े रोजगार मेला अधीन नवनिजुक्त युवक मानक निजुक्ति पत्र बंटन अवसर में कही कि आज अयोध्या दीपोत्सव से कैसे उत्साहित अच्छा बड़ कथा कि प्रभु श्रीराम को स्वागत सजी हो अयोध्या एवं राम लक्ष्मण सीता से बेसर मध्य आज देखा मिली विशेष करके विभिन्न राज्यर जो रही पारंपरिक नृत्य बाद्यर तारतारे नृत्य प्रदर्शन करभु राम स्वागत करने अयोध्या नगरी को पूरा सज्जित कहीं जिते बड़े दीपावली विशेषत्व रही चलित बर्षर विशेष करके कहीं 500 वर्ष पर भगवान राम अयोध्या भव्य मंदिर में बसी भव्य मंदिर में प्रथम दीपावली पालन होमाम प्रस्तुति केमती देखू कारुकर्ज अति सुंदर कारुकर्ज कर राम लक्ष्मण सीता हनुमान पूरा कोई भाव में कारुकर्ज सहित चित्रकला देखा मिली जहाँ समस्त बेस मरम हो 28 लक्ष दीपे सजी हो सरजु घाट सरजु घाट आज सन्धार पूरा चिकमिक आलुओं पूरा प्रकम देखा एवं से दृश्य को समस्त अपेक्षा रही से प्रतीक्षित मुहूर्त को समस्त अपेक्षा रही बड़ कथा कि अयोध्यावासी आज एक सुंदर रूप देखा जाऊँगी 28 लक्ष दीपे सरजु घाट को सज्जित कर दीपोत्सव अनेक कार्यक्रम पारंपरिक नृत्य गीतर प्रदर्शन देखा मिली प्रभु ये हूँ प्रभु श्रीराम को स्वागत करने से सब दृश्य शानदार सजावट है, व्यवस्था एकदम उत्तम है। हम सुबह 7 बजे गए थे, 8 बजे हमारा दर्शन भी होके हम बाहर आ गए। सामने गेट जो बना है कैसा दिख रहा है? एकदम भव्याति भव्य गेट है, अंदर गेट से लेके अंदर मंदिर तक का पूरा नजारा एकदम ही शानदार डेकोरेट किया गया है। राम की जन्मभूमि में आज का दीपोत्सव का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा रहा, दर्शन भी बहुत बढ़िया रहा और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे रहे। जय श्री राम। पूरा गेट है वो नेचुरल फ्लावर से सजाया गया है, उसमें श्री राम का हम लोगों को अनुभव हो रहा है और बहुत अच्छा डेकोरेशन लग रहा है। शुणुले कते सुंदर सज्जित कर आलोकर पर्व दीपावली अवसर में सजाई होती राम जन्मभूमि अयोध्या। एथर अयोध्यार दीपावली आहुरी स्वतंत्र करने को पूरा पूरी प्रस्तुति में कौटी कमी रही कारण रामचंद्र प्राण प्रतिष्ठा पर यह हूँ प्रथम दीपावली से आलोक दीपे पूरा जमी नवबधुटे पूरा सजेवा को पूरा राम जन्मभूमि को सज्जित करजु घाट में देखा कि 28 लक्ष दीप आज प्रज्वलित जहाँ योजना अच्छी से पूरा सज्जित कितने सुंदर करध्या समय दृश्य को देखिपारे अति चमत्कार दृश्य जितेबाड़े पूरा दीपे 28 लक्ष दीपे पूरा उज्जवलित हे प्रकम्पित हो दीर्घ 500 वर्षर प्रतीक्षा पर प्रथम थर भगवान राम अयोध्या नवनिर्मित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दीपावली पालन करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बड़ कथा कि जितेबाड़े चलित बर्ष दीपावली विशेष विशेषत्व रही यहीपाई विशेषत्व रही कि 500 वर्ष पर भगवान राम अयोध्या भव्य मंदिर में बसी सहित यही भव्य मंदिर में प्रथम दीपावली पालन हो तमाम प्रस्तुति तार दृश्य देखिपी कोई भाव में आज प्रभु रावण को स्वागत करने अयोध्या केमती राम लक्ष्मण सीता ये बेश धारण कर जो मैंने भक्त रही श्रद्धा रही भितर केमती उत्साह देखा मिली विशेष करके पूरा रथ पथ सब जनता समस्त प्रस्तुत रही अपेक्षा रही संध्या समय को से चमत्कार दृश्य देखा 28 लक्ष दीपर जेहेतु सरजु घाट प्रति चमत्कार भाव में सजा जा घाट यरजु घाट आज साक्षी बनब एवं आज 28 लक्ष दीप प्रज्वलित हो से चमत्कार दृश्य को आज सारा देशवासी कोटि कोटि देशवासी अपेक्षा कर।
केवल देशवासी नुहंती एवं विश्वर कोण अनुकोण आज समस्त अपेक्षा करिसंती कार्यक्रम आज गोटे बड़ कार्यक्रम आयोजन कर सनातन संतकवि को कुचलने का दबाने का लंबा क्रम चला, लेकिन बधाई देना चाहेंगे अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, बधाई देना चाहेंगे अपने आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने तमाम प्रयासों के बाद और तमाम अवरोधों को डाल करके वो क्षण हमारे सामने हमारे राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया जब राम लला जिसकी परिकल्पना बहुत समय पहले 500 वर्ष समय पहले की गई थी वो साकार होती हुई नजर आई। पर हम सब वर्तमान पीढ़ी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी में ये क्षण आए कि आज भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर साकार स्वरूप लेने में हम लोग कामयाब हुए। अंत तक कितनी पीढ़ियां चली गई जो संघर्ष करती रही, त्याग करती रही, तपस्या करती रही और जिन्होंने बलिदान देने का काम किया, लेकिन उनके जीवन में ये क्षण नहीं आ पाया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके जीवन में ये क्षण आए हैं और मैं समझता हूं कि आज ऐसा पुनीत कार्यक्रम है जिसको हम लोग लगातार पहले तो भव्यता दिव्यता अलौकिकता देते ही रहे हैं, लेकिन इस बार मंदिर बनने के बाद के पहले कार्यक्रम में जो हम लोग पिछले इस कार्यक्रम के कीर्तिमान बनाते रहे हैं, अपने ही कीर्तिमानों को बना करके अगले साल का जब कार्यक्रम हुआ है तब तक उन कीर्तिमानों को तोड़ने का काम करके नया विश्व रिकॉर्ड हमने बनाया है। और इस बार हम लोग पुनः 25 लाख से दीयों का प्रज्वलन एक साथ करके और 1100 से ज्यादा वेदाचार्यों के द्वारा माँ सरयू के आपण शुणुंट अयोध्यार जो बड़ कार्यक्रम आयोजन कर प्रभु श्रीराम को स्वागत करने से ही स्वतंत्र कार्यक्रम कहीं आज दीपावली ये एक स्वतंत्र दीपावली ये स्वतंत्र रही कारण रामचंद्र प्राण प्रतिष्ठा पर यह हूँ प्रथम दीपावली।